जैसा आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विजिटर वीज़ा के लिए यूके के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि वही डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना घर बैठे फिल कर सकते हैं यूके के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे का सारा प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो आप इजीली फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो चार्जेस हैं विज़िटर वीज़ा के यूके के। मिनिमम जो है वो 100 पाउंड यानी कि 10,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में। तो 6 मंथ से लेकर आप 12 मंथ्स तक का अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, बट मैक्सिमम पर विज़िट पे आप 6 मंथ ही स्टे कर सकते हैं यूके के अंदर। तो बेसिस ऑफ लेंथ आपका चार्जेस जो हैं वीज़ा के वो बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है गाइज वो आपकी है अप्लाई नाउ। आप यहां से आप जाएं अप्लाई नाउ में, तो यहां पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको आएगा कि आपकी जो कंट्री है जहां पर आपको अपना बायोमेट्रिक देना है वो अपने कंट्री चूज़ करेंगे, जैसे मैंने इंडिया यहां पर चूज़ किया। उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको इसको करना है कि यही लोकेशन पे आपको अपना बायोमेट्रिक देना है या कोई डिफरेंट लोकेशन, तो वो चूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बाद आपका आता है ये सारा आपका सर्विस डिप्लोमेट बिफोर यू स्टार्ट टीबी को, जो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स में बताया, अगर आप मोर देन 6 मंथ्स का अप्लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। इधर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं एक रैंडम ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने फिल किया, ये ले नहीं रहा है ये वाली आईडी, तो अभी नेक्स्ट अब देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा ये आपकी आईडी आपको बिलोंग करती है यहाँ पर। उसके बाद आपको यस करना है, उसके बाद नो, नेक्स्ट के बाद अब रैंडम दे दिया, आउटसाइड यूके कर दिया। तो ये अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना इंडियन नंबर आप यहाँ पर सबमिट कराएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ आएगी गाइस वो आएगी कि आपके पास घर पे लैंडलाइन नंबर है, ये उससे रिलेटेड है, तो मैंने तो यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप क्या ऑप्शंस से वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन और टेक्स्ट में से दोनों चूज़ किए हैं। यहाँ पर अब आपको अपना नेम भरना है जो भी एप्लीकेशन में आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रैंडम नेम भर दिया है। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी कि आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, ये उसका कॉलम है, यहाँ पर हमने नो कर दिया है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आएगी यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका स्टेटस, अगर आप इन केस यहाँ पर आप मैरिड हैं तो मैरिड के केस में आपसे आपके स्पाउस की डिटेल्स भी ये मांगेगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एज अ सिंगल एप्लीकेंट के थ्रू। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कंट्री पंजाब लिख दिया है, पोस्ट कोड मेरे को पता नहीं है, कंट्री मैंने यहाँ पर इंडिया कर दी है। ओके, यही आपका सेम एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी, जिसके वो आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में आप कितने दिन से रह रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर ब्रेक है, आप रेंट पे रहते थे इंडिया में, तो आपको लास्ट जितने भी 10 ईयर्स का है वो यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बाय बर्थ कर दिया है। ईयर्स के अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मान लो मैंने 20 ईयर्स कर दिया है, आई ओन इट। यहाँ पर आप बता सकते हैं आप जिस भी घर की डिटेल दे रहे हैं आप उसमें, अब वो आपका है या रेंट पे है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आती है यहाँ पर, इशूइंग अथॉरिटी मैंने यहाँ पर इंडिया कर दिया है। आपकी वैलिडिटी आ जाएगी पासपोर्ट की, ये जस्ट मैं ट्रायल के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, और यहाँ पर जो इसकी वैलिडिटी बनती है गाइस वो बनेगी ये ही कुछ बनेगी ना, 25 का पासपोर्ट डालना है। यहाँ पर आ गया डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पर पंजाब डाल दिया है, और यहाँ पर आप अपनी रैंडम जो भी आपकी पासपोर्ट में जो डिटेल्स है गाइस ये बिल्कुल चेक करके डालना आप, क्योंकि इसमें आपका इशू हो सकते हैं अगर आपने चेक नहीं किया। उसके बाद अदर नेशनलिटी के लिए पूछ रहा है, ये आपने नो किया। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर
एम्प्लॉय चूज़ कीजिए, बिजनेस है आपका बिजनेस चूज़ कीजिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज़ करिए। तो उसके अब यहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप डालोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल जो डिटेल्स होती हैं रैंडम आपको दिखाने के लिए वो डाल दी है, ठीक है। कंट्री यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, इनको यहाँ पर नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पर आप 91 डाल कर कोई भी आपका यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है आपका जॉब का टाइटल क्या है, मैं यहाँ पर रैंडम डाल रहा हूँ। और ये पूछ रहा है हाउ मच मंथली आपकी सैलरी, आप इंडियन रुपीस में भी डाल सकते हैं और GBP में भी डाल सकते हैं। तो जो मंथली सैलरी है वो मान लो अगर मैंने यहाँ पर रैंडमली 1 लाख डाल दिया है, आपका जॉब किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अभी हम इसको रैंडमली लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनकम जो आप शो करोगे फंड्स के वे में, वो आप सेविंग्स से शो कर रहे हो और आपके पास कितनी सेविंग्स है तो वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि जो भी आप यूके के अंदर पेमेंट करोगे वो पेमेंट आप पर्सनली कितना स्पेंड करोगे, आपके एस्टिमेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर 5,000 पाउंड लिख दिया, ठीक है, इतना मैं फाइनेंशियली पे करूँगा। ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पर 33,000 ऐसी रैंडम लिख दिया नंबर INR में। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आप यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर यूके के अंदर विजिट कर रहे हो, मैंने यहाँ पर टूरिज्म सेलेक्ट किया। अगर आपका जो भी इसमें से मैच करता है आपको वो चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है अगर आप फैमिली विजिट के लिए कर रहे हो तो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, तो मैंने यहाँ पर एज अ कुछ भी लिख दिया रैंडम, आप होटल लिख सकते हैं। तो अगर आप यूके के अंदर पहले भी ट्रैवल किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट। और इस भी किसी भी कंट्रीज़ में आपने किसी भी जगह पर रह रहे हो तो वो मेंशन करने के लिए आपसे अंडरटेकिंग ले रहा है आपकी फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आपको सब ये नो करना है, अगर क्रिमिनल ऑफेंस और ये सब चीज़ें मतलब आपको अंडरटेकिंग आपको देनी है अपनी एप्लीकेशन में, तो ये सब अभी नो होएगा। तो ये जब आप पूरी की पूरी एंड तक फिल कर देंगे तो आपको एंड में एक आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक जनरेट हो जाएगी। तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करके यहाँ पर अगर आपने यूके के अंदर किसी भी फोर्सेस में या इन किसी भी कैटेगरी के अंदर काम किया तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट करके नो करके और यहाँ पर अपने पूरी की पूरी ट्रिप के डिटेल्स बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव, और ये आपने जो भी डिटेल्स फिल करी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका आएगा ये आप अच्छे से चेक कर लेना अपने पासपोर्ट से और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद इन्होंने बताया आपके पास एक पासपोर्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साथ में आपको फंड्स प्रूफ देने के लिए और आपकी जो भी जॉब्स है एम्प्लॉयमेंट जो मैंने आपको बोला था सैलरी स्लिप वो सब आपको यहाँ पर अब एज अ प्रूफ अब आपको अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पर सबमिट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपसे आपकी एज कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा ये आपसे कंफर्मेशन के बाद पेमेंट के ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ से आपकी लेंथ पूछ रहा है कितने टाइम का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आपने 6 मंथ्स मैंने बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आता है गाइज, इतनी आपको पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वो रेफरेंस नंबर से आप रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है आपको। उसके बाद आपको सिंपल स्टेप है, VFS की वेबसाइट पर जाना है इंडिया के, और वहाँ जाकर आपको बुक करनी है अपनी अपॉइंटमेंट। जो सिंपल एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा VFS ग्लोब के ऊपर, और अपने डिटेल्स और आप अपने डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म पर वहाँ पर अपलोड करने हैं आपको, जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उधर आएंगे। तो जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट